राजा परीक्षित कहते हैं, महाराज जिसके जीवन का अंत बहुत नजदीक आ गया हो, जिसके जीवन के केवल 7 दिन बचे हो, मरिय मानस से ऐसे व्यक्ति का क्या कर्तव्य है, यत कार्यम, क्या करना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, क्या जप करना चाहिए, क्या ध्यान करना चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी पूछा क्या क्या नहीं करना चाहिए। साधकों में प्रायः हमें आप में जो गुरु भक्त हैं, गुरु परंपरा से हैं, वो करते रहते हैं, जप भी करते हैं, पाठ भी करते हैं, जो गुरु जी कहते हैं वो करते हैं, लेकिन कई बार भूलवश गलतीवश जो नहीं करना चाहिए वो भी करते हैं। उसी से साधना में ताकत नहीं आती, साधना में शक्ति नहीं आती। ऐसे ही होता है जैसे ऊपर से घड़े में जल भर रहा है और घड़ा टूटा हो तो घड़ा कब भरेगा, ऊपर से भरोगे नीचे से निकलता जाएगा। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण दोनों बात है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, दोनों पूछा, हाँ दोनों का ध्यान रखना चाहिए। और इसी प्रश्न के समाधान में द्वितीय स्कंध का प्रारंभ होता है, बोलिए बांके बिहारी लाल की। दूसरा स्कंध सबसे छोटा स्कंध है, केवल 10 अध्याय है, लेकिन इसमें कोई कथा नहीं है, इसमें सिद्धांत का वर्णन है, राजा परीक्षित के प्रश्न का जवाब है। अनेक वक्ता दूसरा स्कंध छोड़ जाते हैं, बोलते ही नहीं। हमारे गुरु जी कभी कभी विनोद में बोलते थे, बहुत सारे वक्ता अद्वितीय होते हैं। अद्वितीय का अर्थ समझ गए, जो द्वितीय स्कंध बोलते ही नहीं वो अद्वितीय अद्वितीय होते, क्योंकि इसमें कोई कथानक नहीं, कथा भाग नहीं। उन्होंने पूछा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सुखदेव जी ने कहा, राजन जिस व्यक्ति के जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं उसके जीवन में दुनिया का कोई कर्तव्य शेष नहीं, सारे कर्तव्य उसके खत्म हो गए, पूरे हो गए। उसको अगर जप करना है तो भगवान का, ध्यान करना है तो भगवान का, श्रवण करना है तो भगवान के कीर्तन और कथा का, सेवा करना है तो भगवान की, मन बुद्धि कर्म तीनों भगवान में लगा देना है। और सुखदेव जी ने साहस बंधाया, तू चिंता क्यों करता है, तुम्हारे जीवन के तो 7 दिन है, बहुत है, खट्वांग को तो केवल एक मुहूर्त का समय मिला था, 2 घड़ी। 2 घड़ी मतलब कितना मिनट रोहित जी, 1 घड़ी कितने मिनट की होती है, 24 मिनट, 48 मिनट, हाँ 2 घड़ी मतलब 48 मिनट। 48 मिनट का समय बचा था राजा खट्वांग के पास जब उनको पता लगा कि उनके मौत आने वाली, और पहले से भगवान के भक्त थे, सारे जगह से अपने मन को हटा दिया, केवल भगवदाकार मन कर दिया, कृष्णाकार मन कर दिया। और सुखदेव जी कहते हैं 48 मिनट के अंदर ऐसा भगवान में मन न लगाया, शरीर को छोड़ करके भगवान के धाम को चले गए। तो तुम्हारे जीवन के तो 7 दिन हैं, घबराने की कोई बात नहीं। जब कोई सीरियस पेशेंट हो तो डॉक्टर का कर्तव्य है पहले उसका विल पावर बढ़ाओ, ऐसे नहीं कि अब तो तुम बचोगे ही नहीं, अब तो तुम मर जाओगे, अब तो तुम बेचारा पहले मर रहा आधा वैसे मर जाएगा। अच्छा डॉक्टर होगा पहले उसको साहस देगा, अच्छा महात्मा होगा पहले साहस देगा। उन्होंने कहा इतनी सी तो बात है, सब जगह से मन को हटा के केवल श्री कृष्ण में मन लगाना है, इतना सा तो काम है, घबराने की क्या बात है। राजा परीक्षित ने कहा, प्रभु आपने जिस बात को इतना सरल बता दिया वही बात सबसे कठिन है, सब जगह से मन हटा के कृष्ण में लगाना ही तो सबसे कठिन काम है, यही तो सबसे कठिन काम है। अरे अर्जुन जैसा महापुरुष भी अगर भगवान कृष्ण से प्रश्न कर देते हैं, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म तस्य अहम निग्रहम मन्ने वायु रिव सुदुष्करम, और भगवान ने उस बात को स्वीकार किया, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। लेकिन राजा परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, महाराज आप कहते हैं खाली मन को ही तो लगाना है, लेकिन क्या मन लगाना इतना सरल है, क्या मन को भगवान में लगाना इतना सरल है जितना आपने कह दिया। सुखदेव जी ने कहा, हाँ सरल तो नहीं है लेकिन मैं उपाय बताता हूँ। हाँ ये द्वितीय स्कंध बड़ा सुंदर है साधना के लिए, इसका नाम ही साधन स्कंध है।
मन जब नहीं लगता तो क्या करें? विचार करो मन कहाँ जाता है। अगर मन भगवान में नहीं लगता तो जाता कहाँ है? देखोगे दो ही जगह जाता है, या तो जिससे बहुत प्रेम होता है वो उसका चिंतन होता है, या जिससे बहुत नफरत होती है उसका चिंतन होता है, माने रागास्पद या द्वेषास्पद, दोस्ती या दुश्मनी, दो ही जगह मन जाता है, क्या करें? बोले भगवान के विराट रूप का दर्शन करो। विराट रूप में वर्णन किया गया, धर्म भगवान का हृदय है और अधर्म भगवान की पीठ है। अच्छे लोग भगवान का हृदय है, दुष्ट लोग भगवान की पीठ है। और सरल भाषा में बोले, जब कोई सज्जन लोग दिखें तो उनको भी प्रणाम कर लो, ये हमारे कृष्ण भगवान का हृदय है। अब जब कोई बदमाश लोग दिखें उनको भी दूर से प्रणाम कर लो, ये हमारे कृष्ण भगवान की पीठ है। हाँ, क्योंकि पिटाई कहाँ होती है? हृदय में कि पीठ में? पहले पिटाई वही होती है। हाँ, भगवान की पीठ है। अरे तुमको अपना मन बनाना है। हमारे गुरुदेव का एक वाक्य है पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज का, तुमको ईश्वर नहीं बनाना, वो स्वयं सिद्ध है। तुमको दुनिया नहीं बनानी, ईश्वर ने बना रखी है। तुमको अपना केवल मन बनाना है, मन। हाँ, मन का निर्माण, अपने मन का निर्माण हो जाए तो दुनिया अच्छी दिखने लग जाएगी। मन का निर्माण करो। अभिप्राय महाराज बोले, देखो जहाँ दुष्ट दिखें प्रणाम कर लो, भगवान की पीठ है। अच्छे लोग दिखें प्रणाम कर लो, भगवान का हृदय है। हाँ, ये पहाड़ दिखें, जानते हो विराट भगवान, ये पहाड़ जो हैं विराट भगवान की हड्डियाँ हैं। ये नदियाँ विराट भगवान की नसें हैं। ये वृक्ष विराट भगवान के रोम है, रोम। कहीं पर नजर जाए भगवान का चिंतन करो, भगवान का स्मरण करो। क्या होगा? जब बार बार भगवान कृष्ण की याद करोगे, भगवान कृष्ण से प्रेम हो जाएगा। हाँ? दुनिया वालों से प्रेम हो जाता है बार बार याद करने पर, बार बार बात करने पर। अरे खराब चीजों से, नशे की चीजों से प्रेम हो जाता है बार बार खाने पर, पीने पर। एक शराबी ने मेरे को बताया, लड़के ने, बोले पहली बार जब शराब पिया तो उल्टी हो गई, बमन हो गया, लेकिन साथ वालों ने कहा घबराओ मत, चार पांच बार पियोगे तब अच्छा लगेगा। हाँ, पियो पियो। एक तामसी चीज अगर बार बार लेने के बाद सुखमय दिखाई देने लग जाती है तो भगवान का नाम और भगवान का रूप तो परम सात्विक है, इसको बार बार लोगे तो आनंद क्यों नहीं आएगा? आएगा। हाँ, करके तो देखो, लेखो तो देखो, आएगा, आनंद आएगा। उन्होंने कहा भगवान का चिंतन करो। अब महाराज जब बाहर से राग द्वेष कम हो जाए, हाँ ये तरीका है, बाहर की दोस्ती दुश्मनी कम हो जाए, तब हृदय में हाँ भगवान का ध्यान करो। प्रसन्न वक्त्रम नलिनायते क्षणम। हाँ, हृदय में अपने ठाकुर का ध्यान करो। कैसा ध्यान? जड़ ध्यान नहीं, ध्यान से सुनना, जड़ ध्यान मत करो, चैतन्य ध्यान करो, जीवंत ध्यान करो, लाइव ध्यान करो। हाँ, भगवान की लीलाओं का ध्यान करो। राजा परीक्षित का भी यही हुआ। हाँ, ज्ञानोपदेश अविद्या की निवृत्ति हो गई। राजा परीक्षित ने फिर पूछा, काम तो उनका बन गया, वासुदेवे भगवती आत्मभावम दृढ़म गतः। भगवान कृष्ण को आत्मा के रूप में अनुभव कर लिया, ये सुखदेव जी महाराज कहते हैं। द्वितीय स्कंध में पहले दिन ही अविद्या की निवृत्ति हो गई राजा परीक्षित की, भागवत में स्पष्ट है। बोले फिर छह दिन कथा क्यों सुना? बोले जब अविद्या की निवृत्ति हो ही गई, दुनिया में कुछ लगाव है नहीं तो छह दिन करे क्या, भगवान की कथा ही तो सुनेगा ना, फिर दुनिया काम काम करने में मन नहीं लगेगा। इसलिए इतना लंबा प्रश्न कर दिया, महाराज ये भगवान दुनिया कैसे बनाते हैं, कैसे चलाते हैं, कैसे प्रलय होता है, सब सुनाइए, माने छह दिन तक कथा चलती रहे, ऐसा प्रश्न कर दिया। सुखदेव जी महाराज समझ गए, फिर मंगलाचरण किया और दुनिया कैसे बनती है ये सुनाना प्रारंभ किया। ये सृष्टि कैसे बनी है, हमारी श्रुतियां कहती हैं, भगवान परमात्मा अकेला था, लेकिन अकेले उनको अच्छा नहीं लगा, इसको बोलते हैं अध्यारोप। सा एकाकी न रमत सो अकामयत एको हम बहुश्याम। अकेले अच्छा नहीं लगा, उन्होंने कल्पना की, संकल्प किया मैं एक से अनेक हो जाऊं। ये कल्पना करने का नाम ही माया है। माया शक्ति को स्वीकार किया, प्रकृति में क्षोभ किया, सत्व रज तम की साम्य अवस्था जो प्रकृति थी उसमें क्षोभ करके सबसे पहले महत्तत्व का जन्म हुआ, माने समष्टि बुद्धि या ब्रह्मा। महत्तत्व में क्षोभ किया तो अहं तत्व माने भगवान शंकर रुद्र
उसमें सात्विक तामस और राजस तीनों अहंकार का जन्म हुआ। तामस अहंकार से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी। राजस अहंकार से पांच ज्ञानेंद्रियां, पांच कर्मेंद्रियां, बुद्धि और प्राण। सात्विक अहंकार से सभी इंद्रियों के देवता और मन, ये सारे तत्वों का जन्म हुआ। काल शक्ति ने सबको एकत्रित करके ब्रह्मांड गोल बना दिया। परमात्मा उसमें प्रवेश कर गया, विस्फोट किया और विराट पुरुष का अवतार हो गया। बोलिए विराट भगवान की, विराट भगवान की। सहस्र शीर्ष पुरुष, सहस्राक्ष, सहस्रपात, हजारों हाथ हैं, हजारों पैर हैं, हजारों वाक्य हैं, हजारों महाराज। विराट पुरुष प्रकट हो गए, उनकी नाभि से कमल हुआ, कमल से ब्रह्मा जी हुए। जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो चारों तरफ देखने लग गए, मेरे को जन्म किसने दिया। चारों तरफ देखने लग गए तो परमात्मा बड़े कौतुकी हैं, लोकवत्तु लीला कैवल्यम, कौतुकी हैं। ब्रह्मा जी चारों तरफ घूम घूम के देख रहे हैं। भगवान ने ब्रह्मा जी के चार मुख बना दिए, घूम घूम के मत देखो, जिधर से मने उधर ही से देख लो। हाँ, चार मुख बना दिए। ब्रह्मा जी ऊपर गए कुछ नहीं मिला, नीचे गए कुछ नहीं मिला, परेशान हो गए, मेरा जन्म देने वाला कौन, मेरे को किसने प्रकट किया है। आकाशवाणी हुई, तप तप तप, तपस्या करो, अगर जन्म देने वाले का पता करना है तो तपस्या करो। मैंने भगवान को, अगर ब्रह्मा जी को भी अनुभव करना है तो तपस्या करो। ब्रह्मा जी भी अगर भगवान का अनुभव करना चाहेंगे तो तपस्या करनी होगी, साधना करनी होगी, और हमको आपको नहीं करनी होगी, करनी होगी। हाँ, हमारे गुरु जी कहते थे, अगर सेठ जी चाहें कि हम गद्दी में बैठे रहें, व्यापार चलाते रहें, हमारा पौत्र हमारी चोटी खींचता रहे और भगवान भी आ जाए, सेठ जी हम भी आ गए, ऐसे भगवान नहीं आते। हाँ, ब्रह्मा जी को आदेश हुआ, तप तप तप, तपस्या करो। ब्रह्मा जी महाराज तपस्या करने लग गए और भगवान, जब तपस्या पूर्ण हुई, भगवान उनके सामने प्रकट होते। प्रकट होकर के भगवान ने महाराज बड़े प्रेम से उनको आशीर्वाद दिया, उनका हाथ पकड़ा, हृदय से लगाया। भगवान बड़ी सुंदर बात कहते हैं ब्रह्मा जी से, त्वयाहं तोषितः सम्यग् वेद गर्भ सुशिक्षया चिरं भृतेन तपसा दुस्तोषः कूटयोगिना। ब्रह्मा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, लेकिन संसारी लोग कितना भी प्रयास करें मेरे को प्रसन्न नहीं कर पाते। कूट योगी नाम, कूट योगी नाम माने करते कुछ हैं, मन में कुछ होता है। कूट का अर्थ होता है देखने में कुछ हो, वास्तव में कुछ हो, कूट योगी नाम। लेकिन मैं तुमसे प्रसन्न हूं क्योंकि तुम मन वाणी कर्म से मेरी साधना किया है। क्या चाहिए? ब्रह्मा जी ने कहा, ज्ञान का वरदान। आप मेरे को सृष्टि कार्य में लगाने जा रहे हैं, इतनी बड़ी दुनिया में बनाऊंगा, बनाने का अहंकार हो सकता है? ब्रह्मा जी ने कहा, इतना बड़ा विश्व मैं बनाऊंगा, मेरे को अभिमान हो सकता है, आप मेरे को ऐसा ज्ञान दीजिए अभिमान ना हुए। भगवान बड़े प्रसन्न हुए, चतुश्लोकी भागवत का यहीं पर ज्ञान दिया। हाँ, बड़ा सुंदर उपदेश दिया। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद् यद् सदसत् परम् पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। ऋतेर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यात् आत्मनो मायां यथा वासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु च वचेष्वनो प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। पहला श्लोक है ज्ञान का, दूसरा श्लोक है माया का, तीसरा श्लोक है जीव का, चौथा श्लोक है जीव के कर्तव्य का। जीव जगत ईश्वर और जीव का कर्तव्य। अहम एवासमेवाग्रे, क्यों? ज्ञान हो जाएगा तो अभिमान नहीं होगा। अभिमान होता है दूसरे के प्रति, मैं बड़ा ये छोटा,
ज्ञान में सब एक आत्मा के रूप में दिखाई देते हैं, फिर अभिमान होगा नहीं। भगवान कहते हैं, ब्रह्मा ये दुनिया जब नहीं थी तो केवल मैं ही था, ये जब दुनिया नहीं रहेगी तब केवल मैं रहूंगा। बीच में जो दिखाई दे रहा है दुनिया के रूप में, ये दिखाई तो दुनिया के रूप में दे रहा है लेकिन वास्तव में मैं ही मैं हूं। जैसे जब ज्वेलरी नहीं थी तब सोना था, ज्वेलरी टूट जाएगी तब सोना रहेगा, लेकिन जिस समय ज्वेलरी है उस समय भी सोना ही सोना है। हा? सोने पे नजर रखो, ज्वेलरी पे नजर रखोगे तो अभिमान होगा, सोने पे नजर रखोगे तो अभिमान नहीं होगा। मेरा ये संसार सारा रूप है ये ध्यान रखोगे तो अभिमान नहीं होगा। प्रभु आपका रूप है सारा संसार, हाँ आपका रूप है तो दिखाई क्यों नहीं देता? बोले इसी का नाम माया है, जो है वो नहीं दिखाई देता, जो नहीं है वो दिखाई देता है, इसी का नाम माया है। अच्छा अगर आपसे पूछा जाए ये क्या है, ये क्या है? माइक है ना, लोहा नहीं है ना? माइक है कि लोहा है? लोहा है हा? हम अपना लोहा निकाल ले जाते हैं, माइक आप ले जाना, यही है। इसी का नाम माया, ये नाम रूप है। व्यवहार के लिए नाम रूप की स्थापना है। किसी भी वस्तु में पांच तत्व हैं, अस्थि भाति प्रिय नाम और रूप। नाम और रूप माया के होते हैं। अस्थि भाति प्रिय माने सत चित आनंद परमात्मा का अंश होता है, प्रत्येक वस्तु में यह है। ये माइक जो है और इसका जो रूप है ये माया का है, और जो लोहा है ये सच है। हाँ लोहा निकाल ले जाएंगे तो माइक बचेगा? अच्छा एक प्रश्न और बताओ, ये जब आप देख रहे हो इसमें पहले माइक दिखता है कि पहले लोहा दिखता है? माइक पहले दिखता है, लोहा निकाल ले फिर माइक दिखेगा? लोहा निकाल ले तो माइक दिखेगा? अगर माइक पहले दिखता है तो दिखना चाहिए, नहीं? यही माया है, यही तो भगवान समझाना चाहते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा आपका ही रूप सारा है तो दिखाई क्यों नहीं देता? बोले दिखाई तो देता है, तुम मानते नहीं हो। अब इसमें दिखाई देता है लोहा, हम कह रहे नहीं माइक ही दिखाई देता है, अब ब्रह्मा जी क्या करे इसमें? भाई एक हरियाणा का सज्जन था, वो अपनी पत्नी से बोला कि दो और दो कोई चार कर देगा तो मैं पत्नी हार जाऊंगा। पत्नी डांट के झगड़ गई, क्या तू मेरे को छोड़ना चाहता है? दो और दो चार तो होता ही है। अरे बावरी में मानूंगा तब ना मैं मानूंगा तब ना होगा, मैं मानूंगा ही नहीं कि दो और दो चार होता है। हा? तो दिखाई लोहा दे रहा है लेकिन हम मानेंगे नहीं, लोहा दिख रहा है, माइक दिख रहा है, क्या करोगे? यही भगवान कहते इसी का नाम माया है। हा? इस माया से छुटकारा पाना हो तो किसको भजना होगा? मायापति को। मायापति कौन है? हाँ, दैवी हेसा गुणमयी मम माया दुरत्तया। भगवान कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं ये माया किसकी है, तुम्हारी है या मेरी है? भगवान कहते हैं मेरी माया है जो सबको पकड़े हुए है। बोले फिर आप ऐसे सोचो ना, किसी का पालतू कुत्ता हो और घर में छूटा हुआ हो, अपरिचित आदमी आ जाए उसको महाराज हाँ छाती पे चढ़ जाएगा या पैर पकड़ लेगा। अगर उससे पीछा छुड़ाना है तो उसके मालिक को बुलाओ, मालिक को देखते ही छोड़ देगा। वो जहाँ एक आवाज लगाया टामी आमी क्या बोलते पता नहीं क्या बोलते कुत्ता पालने की जो आदत है ना, भगवान बचावे इससे, वो तुरंत छोड़ देगा। तो माया से अगर छूटना है तो किसको बुलाना पड़ेगा? मायापति को। मायापति कौन है? कृष्ण भगवान, राम जी, भोले बाबा, जो जिसके इष्ट हैं वो मायापति हैं। कहते इस संसार का निर्णय करके एता वदेव जिज्ञासम, सबसे पहला काम है ईश्वर का अनुभव कर लेना, ब्रह्म तत्व का अनुभव कर लेना, पहला काम है ये, पहला काम। आदेश दिया, ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए, भगवान को प्रणाम किया और वहां उसके बाद महाराज यही भागवत ब्रह्मा जी ने चार श्लोक की भागवत ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाया, नारद जी ने व्यास जी को सुनाया, व्यास जी ने इसी भागवत का विस्तार किया। हाँ सर्ग विसर्ग स्थान पोषण उत्ति को लेकर के 10 लक्षण से युक्त भागवत महापुराण की रचना की, जो भागवत महापुराण तीसरे स्कंद से प्रारंभ होगा। और कब प्रारंभ होगा? कल आप लोग ठीक जवाब देते हैं, बहुत समझदार श्रोता है।
वैसे बार मुख्य यजमान महाराज बड़े भारी वकील हैं और उनके साथ में बड़े बड़े वकील बैठे, हाँ सब समझदार श्रोता है। तो अब इसका कालक्रम से कल वर्णन किया जाएगा।